नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप लोग भी औषधीय फसल अश्वगंधा की बारिश के मौसम में खेती करने की सोच रहे हो तो आज ये मेरा वीडियो पूरा देख लेना, ताकि आप लोग मेरी तरह नुकसान के भागीदार ना हो और आपको फिर पछताना ना पड़े। और मेरा मकसद यही है कि मेरी तरह कोई भी किसान घाटे का सौदा ना कर बैठे। तो किसान भाइयों, मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने 23 जून को अश्वगंधा का बीज खेत में डाला था और गूगल पर जो वीदर की मौसम की जानकारी गूगल जो देता है वो 25 तारीख को बारिश होने की संभावना बता रहा था, इसलिए मैंने 23 जून को ही अश्वगंधा का बीज खेत में डाल दिया था। और फिर इसके दौरान मैंने सिंचाई भी कर दी थी और आज तक मैं डेली सिंचाई करता आ रहा हूँ। आज 8 जुलाई हो चुकी है, बीज करीबन पूरा उग चुका है। लेकिन इस दौरान किसान भाइयों, आज हुआ क्या है कि बहुत से अश्वगंधा के पौधे सूख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि एक तो बारिश नहीं हो रही है और तेज धूप और लू की वजह से बहुत से पौधे जल रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके एरिया की मिट्टी बलुई है, देखिए बलुई मिट्टी इस तरह की होती है, अगर इस तरह की मिट्टी है तो आप लोग जुलाई के महीने में इसकी बुआई कभी ना करें। अगर आपको बारिश के मौसम में खेती करनी है तो आप 15 अगस्त के बाद में ही इसकी बुआई करें, और वो भी बारिश के भरोसे आप इसकी कभी खेती ना करें। आपके पास में सिंचाई करने की छोटी मोटी सुविधा होनी ही चाहिए। आप लोग अगर सिर्फ बारिश के भरोसे ही खेती कर रहे हो तो आप ज़रूर घाटे का सौदा कर बैठोगे। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि ये जानकारी किसी और किसान भाई को भी मिल सके और वो बहुत बड़े नुकसान होने से बच जाए, क्योंकि अश्वगंधा का बीज बहुत महंगा आता है और इसकी बुआई करने में भी बहुत मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत लगने के बाद में अगर फसल चौपट हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, जल जाती है, तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। बहुत चिंता होती है, बहुत टेंशन होती है, जो मुझे भी बहुत परेशान कर रही है। तो किसान भाइयों, मेरा ये वीडियो आज ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं खेतीबाड़ी से जुड़ी और भी जानकारी आपको देता रहूं और आप लोग एक बहुत बड़े नुकसान होने से बच जाओ।